मॉडल डाइनो जेट 25। मेन पावर इसकी बैक साइड में लगेगी, पावर कोर्ड एंड स्विच जो मेन है वो बैक साइड में है। वो आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ये इंडिकेटर बार है आपका, इसके अंदर आपका पावर शो कर रहा है, मीन्स जो पावर सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है मशीन में। अब जब भी आप इस पर श्रेडिंग करेंगे तो इसको ऑटो पे रखना होगा। ये इसका कीपैड है, कीपैड में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ आए, सिंपल आपके 3 कीज हैं, ऑटो, रिवर्स, फॉरवर्ड। जब भी आप पेपर श्रेड करें तो इसको ए प्रेस करेंगे, आपके इंडिकेटर बार पे ऑटो स्टार्ट शो करेगा। जब भी आप मशीन को यूज में लेंगे, श्रेडिंग करेंगे, तो ऑटो स्टार्ट पे ही रखेंगे। उस बार कभी आपने पेपर ज्यादा डाल दिया है पेपर फंस गया आपका, पेपर जाम हो गया है, जाम होने के बाद आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ये रिवर्स ऑप्शन दे रखा है, तो दबा के प्रेस करके पेपर को वापस खींच सकते हो, कुछ सीटें कम करके दोबारा श्रेड कर सकते हो इसमें। अब ये पावर के अभी इसको अगर बाय मिस्टेक किसी ने 25 शीट से ज्यादा इसमें प्रेस कर दिया तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं जी। उसके बाद आगे आपका ये सीटें कम करके दोबारा पेपर शीट डाल दीजिए, श्रेडिंग हो जाएगी। और इसका कट साइज आइए। अच्छा, इसको क्लीनिंग करेंगे कैसे? अगर जो इसमें कट होके पेपर गया है ये पूरा बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये डस्टबिन ओपन हो जाता है, आपका डस्टबिन ओपन हो गया और ये इसका कट साइज है, क्रॉस कट में आ गया, क्रॉस कट में आ गया ये, और एकदम साइलेंट मशीन है ये। और इसकी बिन कैपेसिटी अराउंड आपका 35 लीटर होगा जी, जैसा देखने से लग रहा है। उसके बाद है आपका डस्टबिन ओपन रहेगा तो आपकी